दोस्तों, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु भारत के दो बड़े राज्य हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से एकदम अलग हैं इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इकोनॉमी और गवर्नेंस। उत्तर प्रदेश जो नॉर्दर्न इंडिया में स्थित है, अपनी रिच हिस्ट्री, पॉपुलेशन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए फेमस है। तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु जो साउथ इंडिया में लोकेटेड है, वह अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस और स्टेबल पॉलिटिकल लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों को कई अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पर कंपेयर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। यूपी की करंट पॉपुलेशन 24 करोड़ के करीब है। तमिलनाडु के मुकाबले तो यूपी की आबादी 3 गुनी है। तमिलनाडु की आबादी 7 करोड़ के आसपास है और ये पॉपुलेशन में छठवां बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश एक हिंदी स्पीकिंग राज्य है, तो वहीं तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। जीडीपी एंड इकोनॉमी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भारत में थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है। वर्तमान में राज्य की जीडीपी 310 बिलियन डॉलर है। यूपी की इकोनॉमी काफी डाइवर्स है। एग्रीकल्चर का राज्य की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान है। यूपी भारत में फूड ग्रेन, फ्रूट और सब्जियों के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है। भारत के टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में यूपी का योगदान सबसे ज्यादा 17.83% है। हालांकि हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में कपड़ा, चमड़ा, चीनी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी इंडस्ट्रीज में भी बढ़ोतरी देखी गई है। नोएडा, कानपुर और लखनऊ जैसे शहर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु देश का सेकेंड वेल्थिएस्ट स्टेट है, जिसकी जीडीपी 354 बिलियन डॉलर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान इस राज्य की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा है, जहां ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, गारमेंट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज भारी मात्रा में है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज होने की वजह से इसे देश का इंडस्ट्रियल पावर हाउस भी कहा जाता है। 2020 के डेटा के मुताबिक तमिलनाडु में 38,837 फैक्ट्रीज हैं, जो देश के किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं। खासकर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। अकेले चेन्नई से ही देश का सबसे ज्यादा 35% ऑटोमोटिव कंपोनेंट और ऑटोमोबाइल आउटपुट आता है। कल्चर एंड हेरिटेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही राज्य अपने रिच कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश की जड़ें हिंदी, भोजपुरी और उर्दू साहित्य, संगीत, ललित कला, नाटक और सिनेमा में है। कहा जाता है कि यह नवाबों की, राम की, बुद्ध की और ताजमहल की भूमि है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु का कल्चर काफी रिच और डाइवर्स है, जो आसानी से यहाँ के क्लासिकल आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु अपनी ऐतिहासिक स्मारकों जैसे मदुरई और महाबलीपुरम के मंदिरों के लिए जाना जाता है, जो राज्य की वास्तुकला और धार्मिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। गवर्नेंस। इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, दोनों राज्यों की अपने अलग अलग चैलेंजेस और अचीवमेंट हैं। तमिलनाडु को अक्सर बेहतर शासन व्यवस्था और जन कल्याणकारी कामों के लिए सराहा जाता है। यहाँ एक स्टेबल पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जिसने राज्य की ओवरऑल प्रोग्रेस में मेजर रोल प्ले किया है, जबकि उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर की खराब हालत और गुंडराज वाली शासन व्यवस्था की वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है। यही वजह है कि यूपी डेवलपमेंट के मामले में देश के दूसरे बड़े राज्यों से काफी पीछे रह गया है। टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, रिच कल्चरल हेरिटेज की वजह से दुनिया भर के सैलानी इन दोनों राज्यों में घूमने के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा का ताजमहल, होली सिटी वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, झांसी फोर्ट, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा जैसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में रामेश्वरम, ऊटी, चेन्नई, मदुरई, महाबलीपुरम और कांचीपुरम जैसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट हैं। तो दोस्तों, ये रहा भारत के लार्जेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच कंपेरिजन। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल A1 इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।